चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने 31 मई तक 9.10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। पिछले 10 दिनों में इस आयु वर्ग के 1,82,378 लोगों को ही पहला डोज लग पाया है, जबकि टारगेट 1,48,000 डोज लगाने का था। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का 31 मई तक 9 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए हर दिन करीब 1,100 सेशन होंगे। पहले दिन 90,000 लोगों को टीका लगाने का टारगेट है और इसके लिए प्रदेश के हर जिले में 900 सेशन किए जा रहे हैं। वहीं इसके पहले 5 से 15 मई तक 1,480 सेशन हुए थे। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के सभी लोगों को टीके लगाने के लिए कोविशील्ड के 4.76 करोड़ और कोवैक्सीन के 52.25 लाख डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। प्रदेश में इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन के 4.12 लाख डोज स्टॉक में हैं और इसमें से कोवैक्सीन के सिर्फ 12,000 डोज ही हैं। 31 मई तक 4.24 लाख कोविशील्ड के डोज मध्य प्रदेश को दिए जाएंगे।